हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डीप थिंकर। डीप थिंकर आपके लिए लेके आया है एक अनोखा सीरीज़ जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पे है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का गठन 3 अगस्त 1954 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। उस समय जो पहले मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और उस समय सेक्रेटरी के तौर पर जो मिनिस्टर थे होमी भाभा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के मिनिस्टर करेंटली में नरेंद्र मोदी हैं जो कि हमारे पीएम ऑफ इंडिया हैं। डिप्टी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव हैं डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जो कि सेक्रेटरीट और चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के विकास कृषि चिकित्सा उद्योग के क्षेत्र में लगा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के 5 रिसर्च सेंटर हैं, 3 इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, 5 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और 3 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के एम्प्लॉय के बच्चों को शैक्षणिक सुविधा मिलती है। न्यूक्लियर एनर्जी और साइंस के संबंधित क्षेत्रों में रिसर्च करना ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का काम है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के कुछ चाइल्ड एजेंसीज भी हैं, जैसे कि पहला है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का गवर्निंग बॉडी है। इसको सेटअप 3 अगस्त 1948 में किया गया था। भारत सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का स्थान 1 मार्च 1954 को दे दिया गया था। दूसरा चाइल्ड एजेंसीज है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इसे 15 नवंबर 1983 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठन किया गया था। इसके गठन का कारण यह था कि आयोनाइजिंग रेडिएशन और न्यूक्लियर एनर्जी के उपयोग से हेल्थ और एनवायरमेंट को अनुचित खतरा न हो। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम इसे यहीं एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम कुछ इसके इम्पोर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर पर चर्चा करेंगे। सो टिल देन कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।